दोस्तों सब्सक्राइब करें अपने रंगीन हजारीबाग को और प्रेस करें इस घंटे को ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह नहीं छोड़ना उनको, उनको मार कर रखना। पाकिस्तान जीतेगा और हमारी टीम जो है ये ट्रॉफी लेकर आएगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान इंशाल्लाह इंडिया से जीत जाएगा इस दफा। पाकिस्तान ही जीतेगा और हमेशा की तरह ही जीतेगा इंशाल्लाह। रोजे भी हम खूब दुआएं करेंगे और हम ही चैंपियन ट्रॉफी घर लेके आएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जीतेगा, हमारी आवाम की सारी दुआएं उनके साथ होती है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इस दफा जीतेगा इंशाल्लाह। हमारे पास भी मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर है इंशाल्लाह। पाकिस्तान जरूर जीतेगा, अगर जीता तो सारा खुशी होगी। तो बहुत अच्छा खेलते हैं इंडिया, कुछ भी नहीं है। There is no match between India and Pakistan. पाकिस्तानी जज्बे से भी सरशार होते हैं। आगे भी माजी में हम इंडिया को हराते रहे हैं और इंशाल्लाह इस बार तो फिर रोजे हैं और हम इंशाल्लाह हम दुआ भी करेंगे नमाज में और ये पाकिस्तान को जरूर जीतेगा और इंडिया हरेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैच जीतेंगे, आगे भी माजी में हम इंडिया को हराते रहे हैं और इंशाल्लाह इस बार तो फिर रोजे हैं और हम इंशाल्लाह हम दुआ भी करेंगे नमाज में। जैसे पाकिस्तान ने पहले भी इंडिया को दो दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी में हरा चुके हैं, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी 4 जून को जो मैच होने जा रहा है इंग्लैंड में, इंशाल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तानी टीम हमेशा से पाकिस्तान ने इंडिया को हर मौके पर हराया है, तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को एक अच्छे टारगेट दे के और उनको हराएगा। और इंडिया वाले हमेशा ही सीरीज रखने के बाद जो है उसे भाग जाते हैं, तो इसकी वजह यही है कि वो डरते हैं पाकिस्तान से, उनके अंदर खौफ है पाकिस्तानी टीम से, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का। देखें जी, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है और हम बहुत खुश हैं, तो ये मैच होना चाहिए, ऐसे मैच बिल्कुल ऑर्गेनाइज होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे ऑर्गेनाइज होने चाहिए पाकिस्तानी मैच। और हमारा जज्बा जो है वो बिल्कुल हमारा बहुत गर्म है और हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो हम जिताना चाहते हैं क्योंकि इंडिया वाले हमसे डरते हैं, इसलिए वो मैच नहीं करना चाहते। अगर उन्हें हिम्मत है तो हमारे साथ मैच करें क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जीतता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत होगी इस दफा, हमारी दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। इंशाल्लाह ये ट्रॉफी पाकिस्तान ही जीतेगा और पाकिस्तान ही लेकर आएगा ये ट्रॉफी। पाकिस्तान ही जीतेगा और हमेशा की तरह ही जीतेगा। इंडिया वाले समझते अपने आप को बहुत ज़्यादा हैं, बट इस दफ़ा भी पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। चैंपियंस ट्रॉफी इस दफ़ा देखें, रियलिटी बेस्ड बात करनी चाहिए। पाकिस्तान की टीम यंग है एंड पाकिस्तानी ऑलवेज पाकिस्तान से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, लेकिन अगेन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा इसको। तमाम उम्मीदें अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तानी टीम से वाबस्ता हैं और हमारी तमाम दुआएँ भी उनके लिए हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तानी टीम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैदान में उतरे, इंशाल्लाह जी चैंपियन ट्रॉफी तो समझे कि पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम वजीर आजम साहब नवाज शरीफ। मैं एक गरीब आदमी हूँ, दुबई में रहता हूँ, लेकिन जो आज पाकिस्तान खेल रहा है वो अल्लाह जज्बात के ऊपर काबू नहीं ला सकता, रख सकता। और मैं आपके लिए हाथ जोड़ता हूँ कि खुदा के लिए एक मर्तबा मेरे को मैच में लेके चलो। पाकिस्तान के खातिर अगर मैं ये हाथ नहीं काटा ना, इन लोगों के ऊपर अगर मैं छक्के नहीं मारे, तो आ जाओ मैं आप लोगों के साथ ये हाथ काट देगा। खुदा के लिए इमरान साहब, आपके लिए भी मेरा ख्वाहिश है, मैं दुबई में रहता हूँ, खुदा के लिए एक मर्तबा मेरे को मौका दे दो। इस इंडिया के लिए ना हेलमेट डालेगा और ना ग्लव्स डालेगा, इंशाल्लाह इन लोगों को मैं सिखाएगा। ये पाकिस्तान का क्रिकेटर जो है
ان لوگوں کو میں سکھائے گا. والله قسم خدا کے ان لوگوں نے میرے کو رونے پہ مجبور کر دیا ہے. ایسا کھیلتے ہیں کوئی؟ قسم خدا کے برباد کیا ان کرکٹرز نے ہم کو, سب کرکٹرز نے ہم کو برباد کیا. خدا کے لیے ایک مرتبہ موقع دو میرے کو, خدا کے لیے ایک موقع دو وزیر اعظم صاحب, میرے لیے ایک مرتبہ موقع دو. خدا کے لیے آپ کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں وزیر اعظم صاحب, ایک مرتبہ موقع دو میرے کو. السلام علیکم. السلام علیکم میرے بھائیو, میں اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھتے ہوئے یہ ویڈیو بنوا رہا ہوں. میرا یہ دل کرتا ہے آج کہ یہ جوتا ان سب کے منہ پہ ماروں. سب سے پہلے ان کو ماروں جنہوں نے یہ پاکستان کی ٹیم بنائی ہے. میں ان کتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیم کو مجھے اجازت دیں, وہ صرف یہ خون میں اپنے سر لوں گا. ان 12 کھلاڑیوں کا خون میں اپنے سر لوں گا. ان 12 کتوں کو میں ماروں گا. اور یہ بھی ماں کے بیٹے ہیں, یہ دیکھو انہوں نے بھی ماں کا دودھ پیا ہے. تم لوگوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا؟ اگر تم نے ماں کا دودھ نہیں پیا تمہارے بازو میں طاقت نہیں ہے. تو میرے پاس ایک کتا ہے, اس کا موتر پیو تمہارے بازو میں طاقت آئے. کتے ہو تم, سب سے بڑے کتے ہو. یہ 14-16 کروڑ عوام تمہیں دیکھتی ہے, اتنے جذبات سے دیکھتی ہے. لیکن تم کتے, جب بھی کہاں یہ کھیلنے کا میدان تمہارے سامنے آتا ہے تو تم کتوں کے جذبات ہار جاتے ہیں. کیا تمہارے بازو میں طاقت نہیں ہے؟ کیا تمہیں اپنے پاکستان کی کوئی عزت کا خیال نہیں ہے؟ تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو مجھے یہ بتاؤ. میں تم کتوں کو یہ کہتا ہوں کہ تم چھوڑ دو, یہ تمہارے پاس کی بات نہیں ہے. تم سے تو وہ لڑکیاں ہی اچھی ہیں جنہوں نے آج پاکستان کی عزت رکھی. تم کتوں نے کیا کیا؟ تم نے وہی اپنا ہر سال کی طرح تم نے اپنے کتوں نے وہی ثابت کیا کہ ہم ہمارے بازو میں طاقت نہیں ہے. ہم صرف اپنی ماں کا دودھ پیا ہے بس. ہمارے بازو میں طاقت نہیں ہے کہ ہم چھکے یا چوکے مارے. ہم مصباح کی طرح بس سنگل ہی لگا سکتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ بھی اپنی ماں کا دودھ پی کے ادھر میدان میں آئے ہیں. انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کھائی گی جس سے وہ چھکے چوکے مارتے ہیں. اور کچھ غیرت کرو, تھوڑی سی اگر تم میں غیرت ہے تو تھوڑی سی غیرت کر کے اپنا تھوڑا سا عزت, اپنی عزت کا, اپنی قوم کا, اپنے اس ملک کے شائقینوں کا دھیان رکھو. اللہ حافظ.